गाइस, अगर आप पीटीएम लेआउट में रहते हैं या पीटीएम के आसपास रहते हैं और आपको ऑथेंटिक बढ़िया मस्त पंजाबी खाना खाना है, वो भी ढाबे वाला, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में होता है ना, हाईवे के किनारे वाला, बिल्कुल वैसे ही, और गाने सुनने प्रॉपर रोडवेज वाले, तो एक जगह है बीटीएम सेकंड स्टेज में, ज्ञानी द पंजाबी ढाबा। हमने आज मंगाया था यहाँ पे राजमा चावल, हमने मंगाई दाल मखनी और रोटियाँ पापड़ टाइप से। आप ये लोकेशन देख लो, लोकेशन तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कहें, लेकिन खाना इज़ ऑसम प्रॉपर एकदम। ये दारजी है, दारजी की दुकान है, ये दारजी का ढाबा मस्त। हमारे साथ रक्षा है, रक्षा, हाउ इज़ द फूड? इट्स अमेजिंग, मतलब मेरे को मज़ा आ गया बहुत टाइम बाद ऐसे प्रॉपर ढाबा वाली फील, वो भी गाने एकदम वैसे, और खाना भी बहुत अच्छा है, सो इट्स गुड। कुशल, हाउ इज द दाल मखनी, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? राजमा दाल मखनी बोथ आर सो गुड, एकदम नॉर्थ इंडिया वाली वाइब है और टेस्ट है, और मतलब वहाँ पर तो ये सब बहुत कॉमन होता है, बट टू फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग इन साउथ इंडिया इज समथिंग सरियल। मेरे एक फ्रेंड है राहुल, उसने मुझे सजेस्ट किया और हमने नॉर्मल ऐसे साथ से यहाँ पे ऑटो पकड़ के आ गए। जब फर्स्ट टाइम देखा इसको तो देखने में लगा कि कहाँ आ गए, बट जब प्रॉपरली आया तो इट्स रियली गुड। एंड क्वांटिटी गाइस देखो, ये राजमा की क्वांटिटी भी फुल, पूरा फुल था, 3 लोग आराम से खा सकते हैं, और ये तो मुझे इन्होंने कढ़ाई दे दी आधी दाल बकरी के नाम पर, पूरी कढ़ाई आ जाती है, मतलब 3 लोगों के हिसाब से हमने 2 सब्जियाँ मंगाई थी और ये पेट अपने यहाँ पे जहाँ पे भी अगर, तो वहाँ पे ज्ञानी दा पंजाबा ढाबा से ऑर्डर करो। यहाँ की 2 चीजें वेजिटेरियन में स्पेशलिटी है, फर्स्ट इज दाल मखनी, सेकंड इज बैंगन का भरता। हमने बैंगन का भरता नहीं ट्राई किया, लेकिन हमने राजमा एंड दाल मखनी ट्राई किया, बोथ थिंग्स आर वेरी ऑसम। देख रहे हो तो आप ये ढाबा देखो, और है एकदम देसी प्रॉपर, मज़ा ही आ जाए। तो हमने सारा गाइस खाना ख़त्म कर दिया है, सिर्फ 4 ही सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे, मतलब आप टोटल 16 लोग हो तो आ सकते, 16 से ज़्यादा बैठने का स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो आपको वेट करना पड़ता है। वेटिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट का होता है, वैसे डिपेंडिंग ऑन द भीड़, लेकिन स्टिल इट्स गुड। मुझे तो लगता है कि बेस्ट जो चीज़ यहाँ पे हो सकती है वो होता है ऑर्डर करना। खाना मस्त है, क्वांटिटी मस्त है, रेट भी सही है, एकदम चीप वाले उस पर है। हमने जो दाल मखनी खाई वो 150 रुपये की एक कढ़ाई खाई और राजमा चावल खाए वो भी 130 या पता नहीं 150 के एक प्लेट है, जिसमें फुल फ्लैश्ड मस्त, और रोटी भी अच्छी थी प्रॉपर, जैसे नॉर्थ इंडिया की रोटी होती है वैसे उस टाइप की रोटी थी, वो मैदा वाली टाइप वाली है, वो फालतू की रोटी, प्रॉपर आटे वाली जो रोटी होती है वो है रोटी। तो इट्स गुड टू हैव, मतलब लोकेशन थोड़ा सा शेडी लेकिन अमेजिंग फूड विद अमेजिंग पीपल। हाय गाइस, चलो बाय बाय। ज्ञानी दा पंजाबी ढाबा, ज्ञानी दा पंजाबी ढाबा एट बीटीएम। यस, हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, कृपया नक्सलों से सावधान। और गाइस गाइस, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वी हैवंट बीन पेड फॉर डूइंग दिस, ये सब ऐसे खुशी है, अमाउंट दिया है खाने का, हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप शॉप के ऑनर जो दारजी हैं उनको देखते हो ना, तो आपको लगता है कि ये खाना तो बढ़िया बनवाते ही होंगे, ये हमारे एकदम दादाजी टाइप जैसे फीलिंग देते हैं। और यहाँ की जो वो है ना, जो कुक वगैरह है वो प्रॉपर, वो तो देसी, कोई हाइजीन वाइजीन का ख्याल नहीं रखते, बस पेल रहे बना रहे तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है जिसकी वजह से फ्लेवर आता है। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो सकता है। करेक्ट, कमेंट्स में बताना। बाय 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 बाय।